हे व्हाट्सअप गाइस, तो मैं हूँ इस्कॉन और आपका इस्कॉन अगर की वीडियो पे आपका स्वागत कर दूँ गाइस। तो मैं लेके आ गया हूँ कमाल की टेक्नोलॉजी अपडेट और बहुत सारे लीक्स। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिक्स की बात करें तो पहली बार भारत के जो गांव हैं वो उधर पे जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनकी संख्या शहरी क्षेत्रों से अधिक हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं, भारत जो इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन IMAI के मुताबिक उन्होंने बताया कि भारत में पहली बार शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि शहरी क्षेत्रों की जो आबादी है वो 20.5 करोड़ है, जबकि ग्रामीण इलाकों की जो टोटल आबादी है 22 करोड़ आबादी है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में टोटल 50.4 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा पे कर रहे हैं और ये आने वाले समय पे आंकड़ा 2 गुना से ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड होती जाएगी और इंटरनेट यूजर्स बढ़ते जाएंगे और जियो जैसे डेटा सस्ता हो रहा है, तो इस तरह में इंटरनेट की बहुत ही ज़्यादा भरमार देखने को मिलने वाली है आने वाले समय में। दोस्तों गाइस नंबर 5 की बात कर तो गाइस गूगल के जो सभी प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो गूगल ही ना हो, चाहे वो उसका ब्लॉग स्पॉट हो, तो गाइस मैं आपको बता दूं, गूगल की तरफ से गाइस मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने एक पोस्ट में कहा है कि गाइस जो हमारे मतलब गूगल के जो एडवर्टाइजमेंट गूगल द्वारा जो दिखाए जाते हैं उसमें से कुछ एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ख़राब होते जो देखे नहीं जा सकते, या फिर छोटे छोटे जो बच्चे फ़ोन चलाते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट अजीब अजीब से एडवर्टाइजमेंट आ जाते जो हमें पसंद नहीं आते। तो इन सबको रोक लगाने के लिए गाइस गूगल ने एक बड़ा कदम उठाया है और इससे पहले भी उठाता आ रहा है गाइस, तब भी बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट हो जाते गाइस जो कि हमें पसंद नहीं आते। तो गाइस गूगल ने एक बयान दिया है, गूगल की तरफ से कहा गया गाइस कि उसने 2019 में कुल 2.7 अरब, यानी हर मिनट में हमने 5000 से अधिक गंदे विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट को ब्लॉक किए हैं और हटाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि गूगल हमने जो नियमों के उल्लंघन के लिए लगभग 10 लाख से एडवर्टाइजिंग अकाउंट्स भी हमने डिलीट कर दिए हैं। जो पब्लिश साइटर की बात करें तो उन्होंने हमने 12 लाख अकाउंट्स को भी हटा दिए, उन्होंने ऐसा भी कहा है, जो कि 2.1 करोड़ से अधिक वेब पेजेस पर भी जो एडवर्टाइजमेंट उसे भी डिलीट कर दिया गया है, जो कि गाइस अब एक ये सही बात है और हमें एडवर्टाइजमेंट अच्छे से अच्छे दिखाने चाहिए, जो कि गाइस गूगल ने अब यही करना स्टार्ट कर दिया है। नंबर 4 की बात करते हैं, हुआवे Y9S के गाइस बहुत जल्दी इंडियन मार्केट पे लॉन्च करने वाले, जो कि हुआवे का अपकमिंग बजट मिड रेंज फोन होने वाला है। तो गाइस हुआवे Y9S को बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट पे लॉन्च करने वाली हुआवे कंपनी, जो कि गाइस कंपनी बजट मिड रेंज फोन है, तो इस फोन का जो प्राइस होगा गाइस वो होगा 20,000 रुपए, यानी 19,999 रुपए के बीच में इस फोन का प्राइस होने वाला है, जो कि 20,000 रुपए से कम का ही प्राइस होगा आने वाले समय पे ये फोन जब लॉन्च होगा। तो गाइस अब इस फोन के Y9S के अपन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, फोन में आपको 6.59 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इस फोन को पावर देने के लिए गाइस क्रेन का 710 SoC चिपसेट इस्तेमाल किया गया है। ये फोन गाइस 6GB RAM और 128GB स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है, जो कि गाइस ये फोन रन करता है Android 9 पे, जो कि गाइस Huawei का EMUI 9.1 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये फोन रन करेगा। गाइस इस फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी देखने को मिलने वाला। दोस्तों अभी हम इस फोन के प्राइस की बात करें, जो कि एग्जैक्ट प्राइस क्या होगा, तो इस फोन का जो एग्जैक्ट प्राइस होगा वो 18,000 रुपए हो सकते हैं, या फिर 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में इस फोन का प्राइस सेट किया जाएगा। गाइस गाइज नंबर 3 की बात कर दो गाइज रियलमी के अपकमिंग फोन रियलमी X3 के साथ गाइज एक बहुत बड़ा नया लीक सामने आ चुका। तो गाइज मैं आपको बता दूं, रियलमी X3 होने वाला गाइज सुपर जूम, जो कि गाइज पेरिस्कोप कैमरा होगा, उसमें आप गाइज उसकी मदद से आप 16 गुना मैग्निफिकेशन के साथ आप उसे जूम कर पाओगे, जो कि गाइज जैसा कि इस फोन का नाम भी है रियलमी X3 सुपर जूम, जो कि गाइज इसका बहुत बड़ा टाइटल होने वाला है रियलमी X3 सुपर जूम का। तो गाइज ये फोन रन करेगा स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप प्रोसेसर 855 प्लस चिपसेट प्रोसेसर, जो कि 12GB रैम वेरिएंट के साथ आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि इसका सीधा टक्कर होगा गाइज Xiaomi के MI10 यूथ एडिशन 5G से। तो गाइज इस फोन में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और बाकी अभी इसके नए नए लीक सामने आ रहे हैं, जो कि मैं आपको एक नई वीडियो बना के दूंगा इस फोन की और फुली स्पेसिफिकेशन बताऊंगा उस वीडियो में आपको मैं। गाइज नंबर 2 की बात करें तो सोनी लेके आ गया अपना नया ईयरबड्स, जो कि है सोनी WF SP 800 NTWS ईयरबड्स, जो कि ANC सपोर्ट और
26 ओवर्स की बैटरी लाइफ के साथ आ चुका है। तो गाइस ये ईयरबड्स में आपको देखने को मिलने वाला एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है हर ईयरबड्स के लिए। गाइस इस ईयरबड्स में आपको 26 ओवर्स की लंबी बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाली, जो कि 26 घंटे का आपको लंबा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। गाइस इस ईयरबड्स में आपको IP55 वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आपको ईयरबड्स देखने को मिलेंगे। गाइस इस ईयरबड्स में आपको एक्स्ट्रा बेस आइडियो सीरीज के साथ कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, जो कि सोनी का न्यू ईयरबड्स है। जो और गाइस इस ईयरबड्स में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि बॉस दोनों में करेगा, यानी एंड्रॉयड और iOS में आप इसे आसानी से यूज कर पाएंगे। अब ईयरबड्स के प्राइस की बात करते हैं, इस ईयरबड्स का लगभग प्राइस लॉन्च किया गया है वो $200 में लॉन्च किया गया, यानी अगर इंडियन प्राइस की बात करें तो ये लगभग ₹15,000 के रेंज में आपको ये इंडियन मार्केट पे देखने को मिल पाएगा। गाइज नंबर 1 की बात करें तो अंतरिक्ष में पहली फीचर फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं हॉलीवुड फेमस सुपरस्टार टॉम क्रूज। तो गाइज मैं आपको बता दूं, नासा ने भी इसको हाँ बोल दिया और उन्होंने नासा की तरफ से इसे पुष्टि कर दी गई है, जो कि हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, जिसकी पुष्टि नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइनस्टीन ने कर दी है। उन्होंने ये भी बताया कि ये अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली नैरेटिव फीचर फिल्म होगी, जो कि जिम ने भी ट्वीट करके कहा कि हम चाहते हैं कि नासा की जो महत्वाकांक्षी मिशंस हैं उसे वास्तविक बनाने के लिए पॉपुलर मीडिया इंजीनियरों की और जो वैज्ञानिकों की जो नई पीढ़ी है उसको प्रेरित करे, जो कि हमारे आसपास के जो हमारे आने वाले जो रिसर्चर्स हैं वो इस मूवी को देख के कुछ तो सीख सकें और जो अभी जानकार नहीं है वो अंतरिक्ष से या फिर जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं, जो जानकारी नहीं रखते हैं, इस मूवी के माध्यम से आप सभी चीज़ों को ज्ञान प्राप्त कर पाओगे और बहुत सारी चीजें इस मूवी को देख के आप सीख सकते हो। तो अभी नासा ने अभी इसे कंफर्म नहीं किया है कि कब से इसे स्टार्ट करने वाले, लेकिन आने वाली बहुत ही जल्दी डेट में आपको मालूम चल जाएगा कि मूवी कब से स्टार्ट होने वाली है। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी फिल्म जो बनने वाली ये हमारे स्पेसएक्स के जो एलोन मस्क है उनकी कंपनी के साथ इस मिशन को पूरा कंप्लीट किया जाएगा, उनके साथ इस पूरी मूवी को गाइस बनाया जाएगा स्पेसएक्स कंपनी के साथ। तो दो कंपनी मिलके इस मूवी पे बहुत तेजी से काम कर रही हैं और ये अभी कब से स्टार्ट हो रहा अभी तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी COVID-19 चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी डेट आने वाली है इस मूवी को स्टार्ट करने के लिए गाइस।